अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारे स्वीट बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि आज वो क्या बना रहे हैं। तो कैसे हैं आप हमारे मिस्टर भाई? सबसे पहले तो भाई एक बात बता दो, पसंद की शादी कब होने का? देख लें पसंद की शादी में क्या होता है भाई। यही होगा जो ये बना रहे पराठे, जो हमारे साथ हो रहा है ना वही हो रहा है। हम तो सिर्फ पराठे बना रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। ये देखिए इनके पराठे बनाने का स्टाइल। कितने महीने हो गए हमारी शादी को? एक महीना हो गया हमारी शादी को, लेकिन अब तक समझ नहीं आई कि ऐसे पराठे कैसे बनते हैं। हाँ भाई, बनाने का दिल ही नहीं करता ना। बंदा कोई बनाएगा फिर ही पता चलेगा ना हमें कैसे बनते हैं पराठे। नहीं नहीं कोशिश बहुत की, मगर हस्बैंड जी बनाकर दे ही रहे जब अपने हाथों से इतने प्यार से, तो फिर किसका दिल करेगा पराठे बनाने का। हाँ मौलवी के सामने हलवा रखा हुआ था, मौलवी थोड़ी चुप रहेगा, मौलवी तो खाएगा ही ना। और नहीं तो क्या। तो किस किस के हस्बैंड घर में पराठा बना कर देते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने हस्बैंड जी को दिखा सकूं कि देखें सबके हस्बैंड पराठे बना कर दे रहे हैं। मेरा सबकी पसंद की शादी हुई होगी, जिसके साथ जो होती है ना दूसरी शादी है, वो बैलून उठाएगा और बोलेगा चल बेटा काम कर, जो किचन भी हम संभाले, ऑफिस का काम भी हम लोग करें। हाँ तो क्या हुआ, ब्रेकफास्ट में अगर पराठे बनाकर दे देंगे तो इसमें थोड़ी ना कुछ हो जाता है। सीख लें आप लोग भी कि कैसे बनते हैं इनके पराठे, ऐसे बड़े मजे के होते हैं। बेटा वो देख ही लें, बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पराठे मशहूर हैं। ये लच्छे पराठे के स्टाइल में इसकी फोल्डिंग हो रही है, सही है ना? लच्छे पराठे जैसे बनते हैं ना। हाँ ये छोटा तुम्हारे लिए। सही, मैं छोटा सा खाती हूँ ना इसलिए। तो अब इसे कितनी देर रेस्ट पे रखना है? दो से तीन मिनट के बाद अब मिलते हैं। तो ये पराठे बनाना फिर से स्टार्ट हो गए हैं। देखो नरम हो गया बहुत। ये बेलने का स्टाइल देखिए अब आप। बेटा बेलना आपको चाहिए, लेकिन क्या करें, आधे काम आधे ज़्यादा काम तो हम लोग कर जाते हैं यहाँ पे। तो अच्छी बात है ना, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। आपको तो बस एक रोटी बनानी पड़ रही है, पराठा सॉरी। पराठा बनाना आसान बात है? बिल्कुल नहीं, कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊँ बिल्कुल मुश्किल काम। हाँ आटा भी हम गूंदे हैं। हाँ तो नई नई शादी हुई है ना। हाँ तो नई नई शादी का क्या मतलब? नई नई शादी में ऐसा ही होता है। बेइज्जती मत करवा देना पराठे इधर उधर हो जाते। नहीं नहीं अच्छा ही बनेगा, जैसा रोज बनता है वैसा ही बनेगा। पड़ोस में भी जाके खिला देना। ओफ पड़ोस, पड़ोस बड़ा याद आता है एक तो इनको। हाँ तो पसंद की शादी के बाद बंदे को पड़ोस ही याद आएगा, कौन क्या याद आएगा। परोस याद आता है या परोस वाली याद आती है? समझने वाले समझ गए होंगे। एक तो यहाँ पे गैस कम होता है। आई यस तो ऐसे कह रहे जैसे कोई जंग जीत लियो। तो
पटाटा बनाना रोटी बनाना आसान बात है, तुम जीत लो जंग आके। आज तक जीत ही नहीं सकी ना ये जंग, आपके प्यार में पड़ गई जब से जंग ही साली हार गई। ये जंग भी हमें अकेले लड़नी पड़ रही है, देखो। कोई नहीं, मैं खड़ी हुई हूँ आपके साथ, और क्या चाहिए आपको? हथियार लेकर खड़ी हुई हो और नहीं तो क्या, वाइफ का बस यही काम होता है, वो हथियार लेकर खड़ी होती है। ये पहले अच्छी तरीके से एक साइड से पका लेते हैं, फिर इसे टर्न कर लेते हैं। ये गैस का इशू है, इसकी वजह से थोड़ा सा अनको कहना बीबी अभी तो बहुत ज़्यादा है, वरना ये इससे ज़्यादा पकाते हैं। मैं पकेगा पूरा ही, टर्न कर करके पकाएंगे ना इसको। एक ही दफ़ा में थोड़ी पकता है कोई पराठा, वो तो होटल वाले होते हैं, एक ही दफ़ा पलटा दूसरी दफ़ा घी लगाया टटा 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 छिड़का और दे दिया कच्चा पक्का। इससे पहले रोटी की तरह बनाते हैं ना, फिर इसके बाद घी डालते हैं, थोड़ा सा रोटी जैसा शेप आ जाए फिर घी डाल के फ्राई कर दें। अब ये देखें थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब ये घी डाल रहे हैं ऊपर से। घी देखें कितनी कंजूसी से डालते हैं भाई, बहुत सारा है ये भी, ये बहुत कम घी खाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा ऑयली। जब तो सुस्त हुई भी हो, सुस्त हुई हुई देख लें, इनसे जब ही काम करवा रही हूँ। ये इनकी कोशिश पराठा टर्न करने की, वाह मेरे मास्टर शेफ। तो हमारा एक पराठा बन चुका था, अब ये दूसरा पराठा बना रहे हैं। तो तुम्हारे लिए पराठा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, नक्शे नक्शे जानबूझ के बदले लेंगे लगता है मुझसे, जैसे मैं इनको नक्शे खिलाती हूँ वैसे ये मुझे नक्शे खिलाएंगे। पूछो व्यूअर्स तुम्हें बताएंगे कि नक्शा है क्या है ये, ऐसे मुझसे बहुत अच्छा बना लेते हैं। वो तो है, वो तो मैं अच्छा हूँ। ओह तारीफ, पता नहीं कहाँ से मिल गए तुम मुझे। ओह खुद की तारीफ खुद, हमने पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा। वेरी गुड जॉब। ये रहा, तो ये तैयार हो चुका है। अब ये तैयार कर रहे हैं आमलेट। ये गए टमाटर, टमाटर का छिलका उन्होंने उतार दिया था पहले से ही। दो टमाटर लिए हैं और इसको अच्छी तरह से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो किया है,
ये है हमारा नमक डालने का स्टाइल। वाओ बस ज्यादा एक्साइटिंग में ज्यादा नमक नहीं डालना हमें। पता चला ओवर एक्साइटिंग में ज्यादा नमक चला गया। कल तक मुझे लगता था कि मैं अच्छी कुकर हूँ, लेकिन इन्हें देखकर मुझे लगता है कि मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं है। वो बोलते ना बेटा, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। ओह समझ आई। ये है शिमला मिर्च। मैं ज़्यादा काट यार। नहीं एक ही ली थी। तो ये मसाला भून चुका है। अब ये इन्हें किसी दूसरे बर्तन में निकाल रहे हैं। अब ये हमारे मास्टर शेफ तोड़ रहे हैं अंडा। अंडे को पहले हमेशा अलग से बॉल में तोड़ना चाहिए, तो तोड़ लिया करें ताकि खराब वगैरह होता है तो पता चल जाएगा। ये सही है। सही ये मसाला बना के फिर इसके बाद अलग से उन्होंने अंडा तोड़ा और इसके बाद अब ये मिक्स कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका अंडा ऑमलेट कैसा बनता है, फिर हम टेस्ट भी करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा बना इनका अंडा ऑमलेट। तो ये घी हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही घी गर्म हो चुका है। तो अब हमारे स्वीट क्या कर रहे हैं, ये अंडा डालने की तैयारी कर। अब ये इस अंडे को टर्न कर रहे हैं और इन्होंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया ताकि ऊपर से कुक हो जाए और इसे टर्न करने में मसला ना हो। ज़रूरी नहीं ढक्कन रखो, ये तो अभी रखा है। तो
और ये अंडा जिस तरीके से बना रहे थे वैसा बना नहीं, टूट चुका, तो अब सोचा कि इसको चेंज कर देते हैं। और क्या बना रहे हैं इसका कटाकट, कटावाटा कुछ नहीं बनना, बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। गैस लो गया था जिसकी वजह से टूट गया ना। गैस की स्पीड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, यहाँ पर गैस का इशू था जिसकी वजह से अंडे की लग गई थोड़ी सी। ओप्स, मेरे मास्टर शेफ रो रहे हैं। अब ये अंडा कुक हो चुका है, और ये मेरे प्यारे से मास्टर शेफ इसी प्लेट में सर्व कर रहे हैं। किसी और का सर्व नहीं करें, मुझे ही सर्व करना है। उफ, न्यू स्टाइल, वाह। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं, हमारा अंडा तैयार है, अब ट्राई करते हैं, इन्हीं को खिलाते हैं सबसे पहले, और इनसे ही पूछते हैं कि कैसा बना है इनका अंडा। तो चलिए, अच्छा नहीं, खुद ने बनाया ना इसलिए। थोड़े मैंने पहले बोल दिया अच्छा नहीं, मुझे पता था यही बोल रहा। अच्छा अच्छा नहीं है, फिर ठीक है। तो चलिए अब मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसा बना है। टाटा टाटा, चलिए अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।